हेलो फ्रेंड्स, हाइब्रिड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम है और आजकल गाड़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है उसके विंडशील्ड वाइपर्स। अगर आपके विंडशील्ड वाइपर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको सबसे पहले बदलवाइए, क्योंकि जब हैवी रेन्स होती हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और ऐसे समय में सिर्फ विंडशील्ड वाइपर्स ही हमारा एकमात्र सहारा होते हैं। तो मेरी गाड़ी के भी विंडशील्ड वाइपर्स खराब हो गए थे और मैंने जब सर्विस सेंटर में फ़ोन किया कि मुझे अपनी गाड़ी के वाइपर्स चेंज करवाने हैं तो उन्होंने मुझे जो कॉस्ट बताई वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। तो मैंने फिर थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च करी और मैंने देखा कि ये वाइपर्स जो हैं ये ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ही सस्ती, अच्छे ब्रांड के वाइपर्स बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉश के वाइपर्स मंगवाए हैं अपनी गाड़ी के लिए। ये वाइपर्स गाड़ी या कार के मॉडल के हिसाब से अलग अलग साइज के आते हैं, तो आप पहले अपनी कार का मैनुअल चेक करें या ऑनलाइन सर्च करके पता करें कि आपकी गाड़ी में कितने इंच के वाइपर लगते हैं। जैसा कि मेरी गाड़ी में 22 इंच और 16 इंच के दो वाइपर लगते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से ये बॉश कंपनी के वाइपर मंगाए हैं। ये पूरा एक सेट है जिसमें कि दोनों वाइपर्स अवेलेबल। आइए देखते हैं इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। कार के वाइपर्स को नॉर्मली जैसे हम साफ करने के लिए उठाते हैं वैसे ही उठा लीजिए। ये देखिए, मेरी गाड़ी के वाइपर्स की रबड़ निकल गई है और इसकी वजह से ये अब इफेक्टिवली विंडशील्ड को साफ नहीं कर पा रहे। वाइपर्स के सेंटर में जो पिवट पॉइंट होता है इसमें एक लैच होता है जो कि वाइपर रॉड के खांचे में लॉक हो जाता है। लैच को प्रेस करके हम वाइपर को नीचे की तरफ पुल करते हैं और वाइपर रॉड से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे लैच होता है जिसको हम प्रेस करके अपने वाइपर को पुल आउट करते हैं और ये यहाँ पर इस खांचे में लॉक हो जाता है। इसी तरह हम दूसरे वाइपर को भी निकाल लेंगे, लैच को प्रेस करेंगे और वाइपर को नीचे की ओर पुल करेंगे जिससे कि ये वाइपर भी पहले वाले की तरह डिटैच हो जाए। अगर आपको टेक्निक पता है तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये देखिए, इसमें भी यहां पर एक लैच है जिसको हमने प्रेस किया था और इसको यहां पे इस खांचे में से हमने बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमने अपने दोनों पुराने वाइपर निकाल लिए हैं। तो आइए देखते हैं अब ये जो नए वाइपर 22 इंच और 16 इंच के हैं इनको हम गाड़ी में कैसे लगाएंगे। इसमें भी यहां पर वैसा ही लैच है और इसे निकालने के लिए हम यहां से प्रेस करेंगे। वाइपर निकालने के लिए हमने लैच प्रेस करके वाइपर को पुल आउट किया था, तो उसी तरीके से हम उसी खांचे में अब अपने नए वाइपर्स को इंसर्ट करेंगे। वाइपर लगाते समय जब क्लिक साउंड सुनाई पड़े तो ये फिक्स हो गया है। ये देखिए, दूसरे वाइपर में भी वैसा ही लैच है और इसमें भी प्रेस करने का ऑप्शन है। दूसरे वाइपर को भी हम वैसे ही फिक्स करेंगे और क्लिक साउंड आने तक प्रेस करेंगे। तो ये नए वाले दोनों वाइपर्स फिक्स हो गए हैं। ये देखिए, मेरे पुराने वाइपर्स की रबर कैसे निकल गई थी जिसकी वजह से कि ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे। आइए अब इनको टेस्ट भी कर लेते हैं। देखिए, दोनों वाइपर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जब वाइपर की बात करी है तो वाइपर के साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको कि हम नॉर्मली भाषा में पानी बोलते हैं, जिस पानी से हम अपने विंडशील्ड को साफ करते हैं या जिस पानी से ये वाइपर्स विंडशील्ड को साफ करते हैं। नॉर्मली आज तक हमें यही बताया गया है कि आप अपने वाइपर फ्लूइड बॉटल में एक शैम्पू का पाउच तोड़ के डालिए और ऊपर से जितना पानी उसमें आता है उतना पानी डाल दीजिए, एंड दैट इज सफिशिएंट। उससे आपके वाइपर्स बहुत अच्छे से काम करेंगे और विंडशील्ड साफ हो जाएगा। लेकिन क्या सही में ऐसा होता है? आइए जानते हैं कि क्या ये अपने आप में सफिशिएंट है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में सिंपल टैप वाटर ले लिया है और इसमें से एक के अंदर मैं शैम्पू डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शैम्पू अंदर जा रहा है वो जाके नीचे ग्लास के बॉटम में सेटल होता जा रहा है। तो जब हम शैम्पू का पाउच तोड़ के अपने विंडशील्ड फ्लूइड टैंक में डालते हैं तो उसमें भी शैम्पू कुछ ऐसे ही जाके नीचे बैठ जाता है। तो इस शैम्पू का एक अल्टरनेट बहुत ही ईजिली मार्केट में और इवन ऑनलाइन अवेलेबल है और इसको हम विंडशील्ड क्लीनिंग एफर्वेसेंट टैबलेट बोलते हैं। इस टैबलेट को डायरेक्टली आप अपने फ्लूइड टैंक में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग के लिए मैं इसको ग्लास में ही डाल के देख रहा हूँ।
इसका क्या इफेक्ट आता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट पानी के अंदर डालते ही अपने आप घुलनी शुरू हो गई है, और क्योंकि इसका नाम ही एफोवेसेंट है तो ये आप देखें धीरे धीरे अपने आप पूरी डिजॉल्व हो गई, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम शैम्पू को देखें तो वो वैसे का वैसा ही नीचे सेटल्ड। अब क्योंकि शैम्पू अभी तक नीचे सेटल्ड है और ये घुला नहीं है, आइए इसको एक बार चम्मच से खोल के देखते हैं कि क्या ये खुलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये शैम्पू पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो रहा, इसकी डेंसिटी नीचे की तरफ ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम, और इसके कुछ पार्टिकल्स पानी के अंदर रोटेट भी कर रहे हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम एफोवेसेंट टैबलेट को देखें तो वो धीरे धीरे डिजॉल्व होती जा रही है और उसके पार्टिकल्स हमें कहीं भी ऊपर फ्लोट करते हुए नहीं दिख रहे। ये टैबलेट अगले 5 से 10 मिनट में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगी और ये पानी जो है, जो टैबलेट वाटर है, ये टोटल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी सेडिमेंटेशन नहीं दिखेगा, कुछ भी फ्लोटिंग नहीं दिखेगा। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम शैम्पू को देखें तो आप देखिए शैम्पू एक मिल्की वाटर जैसा लग रहा है आपको, और ओवर द टाइम ये शैम्पू धीरे धीरे नीचे जाके सेटल हो जाता है बेस पे, और इसकी एक लेयर आपके वाटर टैंक में नीचे बन जाती है। ज़रूरत पड़ने पर जब पंप उसको पुल करता है तो सिर्फ पानी बाहर आता है, शैम्पू बाहर नहीं आता। अब इस टैबलेट को पानी में डाले हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये टैबलेट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गई है। आप देख सकते हैं पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसका ब्लू कलर है, और मैं आपको एक ग्लास दोनों उठा के दिखा देता हूँ। इन दोनों ही ग्लासेस में आप देखिए ब्लू वाटर में कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई सेडिमेंटेशन नहीं है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम शैम्पू को देखें तो वो अभी भी मिल्की है और धीरे धीरे ये वाटर पे सेटल होता जा रहा है। तो पर्सनली मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो शैम्पू है वो आपके विंडशील्ड वाटर टैंक में नीचे सेटल हो जाता है, और जब आपको ज़रूरत होती है तो सिर्फ ऊपर से पानी ही स्प्रे होता है। इसके अलावा अगर शैम्पू वाटर अच्छे से डिजॉल्व भी है तो वो आपके विंडशील्ड के ऊपर वाइट मार्क्स छोड़ देता है, जो कि इस ब्लू सॉल्यूशन के साथ नहीं होता। इस ब्लू सॉल्यूशन को हम यूजुअली जो घरों में अपने कोलिन यूज़ करते हैं ग्लासेस को क्लीन करने के लिए, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है। तो जैसे हम इतने सालों से कोलिन यूज़ करते आए हैं ग्लासेस को साफ़ करने के लिए, ये ब्लू सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और ये सीरियसली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तो यही बताऊंगा कि ये विंडशील्ड के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा है, और ये आपकी गाड़ी के विंडशील्ड वाटर टैंक में सेटल भी नहीं होता, इसलिए कोई सेडिमेंटेशन क्रिएट नहीं होता। जैसा कि इसकी स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ है, ये एक सिंगल टैबलेट 4 लीटर पानी में घोल के आप उसका 4 लीटर सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो ये ओवरऑल काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है जिसमें कि हर इंडिविजुअल टैबलेट सेपरेटली पैक्ड होती है। ये देखिए, ये उस टैबलेट की पैकेजिंग है जो मैंने अभी आपके सामने यूज़ की है, ये भी इंडिविजुअली अलग से पैक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी सेफली ड्राइव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड स्टे सेफ।